क्या चाहता है? तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले। हमारा निवेदन है, आप चाहते हो कि तुरंत जल चढ़े और तुरंत फल मिले, तो एक बात और याद रख लो, पुण्य का फल तुम तुरंत चाहते हो तो पाप का फल भी तुरंत ही मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले एक बात का स्मरण रखें, जो कहते हैं कि हम शंकर को जल चढ़ाते चढ़ाते एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, तीन महीना हो गया, दो महीना हो गया, चार महीना हो गया, छः महीना हो गया, नहीं, चढ़ाते रहो, फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, मतलब पूर्व का जो पाप है तुम्हारे जल चढ़ाने से वो धीरे 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 धुल रहा है, कट रहा है। और शंकर भगवान कहते हैं अगर पाप जैसे ही पूरा कट जाएगा, एक दिन मैं तेरी झोलियों में खुशी लाकर डाल दूंगा और तू आनंद में जीवन जी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बीच उड़ती जावागी, बाबा डोर कटी जावागी। फल जरूर मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा। जल चढ़ाने में शर्म ना करो, शिव के मंदिर जाने में शर्म ना करो, कितना भी पैसे वाले हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी धनपति हो, तुम्हारे घर में 25 नौकर लगे हो, तुम्हारे घर में 50 नौकर लगे हो, पर तुम्हारे नजदीक में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर बाबा की कृपा से हो रही हो और कुबेर भंडारी अगर कथा कर रहा हो, तो ये विचार कर कर जाना कि मेरे धन दौलत तो एक तरफ, एक बार मुझे पंडाल में बैठकर बाबा की कथा कर तत्व ग्रहण करना है, वो अपनी तरफ। जल चढ़ाने में शर्म नहीं, मंदिर जाने में शर्म नहीं करना चाहिए। बड़ा मन दुखता है कभी कभी देखकर, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, सिख पगड़ी बांधता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, मुस्लिम टोपी लगाता है तो अपने आप को गर्व महसूस करता है, और हिंदू मस्तक पर तिलक लगाता है तो शर्म महसूस करता है। उसको शर्म नहीं आना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए। स्कूल जाऊंगा तिलक लगा के तो लोग कहेंगे मंदिर से आ रहा है, बाबा जी बन गया, साधु बन गया, सन्यासी बन गया। ऑफिस में जा रहा है तिलक लगा कर तो लोग कहेंगे, नौकर कहेंगे, नीचे के ऑफिसर कहेंगे, सेठ जी आज तो, सर आज तो तिलक लगा कर आए, मंदिर जाकर आए। अरे तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के मस्तक पर तिलक है। क्या करता है तिलक? क्यों साधु सन्यासी तपस्वी साधक संत ब्राह्मण गुरुजन तपस्वी जन, क्यों? चाहे ब्राह्मण पूर्व का देख लो, चाहे क्षत्रिय देख लो, चाहे वैश्य देख लो, चाहे शूद्र देख लो, पूर्व के सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो मस्तक पर तिलक लगाते थे। तिलक क्या देता है, क्या प्रदान करता है? शिव महापुराण की कथा कहती है तिलक क्या देगा। कभी ट्रेन में सफर कर देखना और माथे पर तिलक लगाकर ट्रेन में सफर कर देखना, ट्रेन की सीट भरी पड़ी होगी, अगर तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा होगा तो थोड़ा न थोड़ा खसक कर लोग तुम्हें बिठा ही देंगे उस तिलक के बल पर। जब तिलक
ट्रेन में सीट दे सकता है, जब तिलक बस में जगह दे सकता है, तो मस्तक का तिलक एक ना एक दिन तुम्हें परमात्मा का दर्शन भी करा ही देगा, ये निश्चित है। तिलक लगाने में गर्व महसूस करिए, त्रिपुंड लगाने में गर्व महसूस करिए, मस्तक पर तिलक लगाने में एक गर्व की अनुभूति होना चाहिए। तुम डॉक्टर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, एसएसपी बन जाओ, कमिश्नर बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस पद पर बैठ जाओ, जिस पद पर बैठे हो उस मूल पद पर, बड़े से बड़े औहदे पर बैठ कर भी अगर आप मस्तक पर तिलक लगा रहे हो तो आप हजारों को प्रेरणा दे रहे हो कि इतना बड़ा कलेक्टर होकर, इतना बड़ा एसएसपी होकर, इतने बड़े कमिश्नर होकर तिलक लगाते हैं तो छोटों को प्रेरणा मिलती है कि हम भी लगाएं। एक गर्व उत्पन्न होता, एक गर्व महसूस होता, और कितना गर्व होता होगा भारत के प्रधानमंत्री जब केदारनाथ जी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री जब काशी में जाकर त्रिपुंड लगाते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री भी जब गले में रुद्राक्ष की माला पहनते होंगे, तो कितने सनातनियों को जागृत करते होंगे कि कोई सनातनी है जो तुम्हें जगा रहा है। वो त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तिलक लगाओ, वो गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर तुमसे नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी की गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, पर वो मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर लाखों करोड़ों को एक मार्गदर्शन करेंगे कि जब मेरे जैसा इतना ऊपर बैठने वाला भी किसी से डरता नहीं और मस्तक पर त्रिपुंड और तिलक लगा सकता है तो तुम किससे डरते हो, तुम भी अपनी जिंदगी सहजता से जियो। फरीदाबाद में बहुत सारी कंपनियां चलती हैं, हमको पाराशर जी कह रहे थे और उनके बेटे चिराग जी कह रहे थे, गुरुजी हमारे फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में माल बनता है। जब चिराग मिलने के लिए हापुड़ आए थे तब कह रहे थे कि गुरुजी बहुत सारी फैक्ट्रियां फरीदाबाद में चलती, बहुत फैक्ट्री, जितनी फैक्ट्री में घूमना है घूम लो, सब फैक्ट्री में जो भी माल बनता है उसमें कंपनी का नाम लिखा रहता है। क्यों बेटा चिराग सही है पाराशर जी, जितनी कंपनियों में माल बनता है उसमें कंपनी का ट्रेडमार्क लगा रहता है, ब्रांड लिखी होती है कि इस कंपनी का माल है। ये तिलक क्या है, इससे भगवान को भी मालूम पड़ जाता है कि कौन सी कंपनी का माल है। ये भी तो कंपनी का माल है, किस कंपनी को ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए। मस्तक का तिलक हमें गौरव महसूस होना चाहिए, मस्तक का तिलक हमें एक आनंद की अनुभूति कराना चाहिए, आनंद की अनुभूति। शिव महापुराण की कथा कहती है, वो जीजी ने जब दीपावली के एक दिन पहले छोटी दिवाली के दिन उन्होंने कहा कि गुरुजी भगवान देने में बहुत देरी कर देते, हम कहते भगवान को धन्यवाद दो कि देने में देरी कर रहा है, जल्दी देगा तो जल्दी ले लेगा, थोड़ा देने में देरी कर, एक पत्र दें दो, धन्यवाद क्यों उसको, उसको धन्यवाद क्यों। थोड़ा समय भले लग जाए, एक माँ गर्भ में बच्चा होता है तो भगवान से कहती है भले समय लग जाए पर बच्चा स्वस्थ देना, उसको कोई बीमारी मत दे देना भगवान, उसको अच्छा दे, थोड़ा समय लग जाए पर फल अच्छा दे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते हैं, हाथ उठाओ जरा, सब चढ़ाते हो, रखो 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 वापिस रखो, बहुत बहुत साधुवाद है, चढ़ाना चाहिए। किसी को एक साल हो गया, किसी को तीन महीने हुए, किसी को छह महीना हुआ, किसी को दो साल हो गया, किसी को पांच साल हो गया, किसी को चार साल हो गया, जल चढ़ाते 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 इतना इतना समय हो जाए, लगे रहो,
उसको दिल से भाव से। रिझाते और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छड़ती ना मैं ककड़ी जावांगी। उसको रिझाते हो शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है जो कभी शंकर के मंदिर नहीं गया था, जो कभी शंकर के शिवालय नहीं गया था, जो कभी शंकर का मंदिर नहीं देखा था, जो कभी शंकर का शिवालय नहीं देखा था, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं किया था, ना कभी शंकर की कथा सुनी। जिसने कभी शंकर की कथा भी नहीं सुनी, अब आप लोगों के मन में आएगा कि देवराज नाम का ब्राह्मण जो शंकर की कथा नहीं सुना, मंदिर नहीं गया, देवालय नहीं गया, शिवालय नहीं गया, तो फिर इसको भगवान शंकर का कैलाश धाम कैसे मिल गया? शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर कैलाश लेकर गए, शिवजी पैदल पैदल गए उसको नंदी पर बिठा कर ले गए, ऐसा कौन सा पुण्य उसने कर दिया? ये पुण्य कौन सा था? ये कहां का पुण्य था? ये पुण्य देवराज नाम के ब्राह्मण का नहीं था, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता शंकर के शिवालय में जाकर एक लोटा जल समर्पित करती थी, और देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जब एक लोटा जल शंकर के मंदिर में समर्पित करती थी, शिव के मंदिर को जल चढ़ाती थी, उस जल का फल ये मिला कि चोरी का धन लेकर देवराज शंकर के मंदिर में शरीर में ताप पड़ने पर, शरीर में कष्ट पड़ने पर शिवालय पर पहुंच गए, शंकर के मंदिर पहुंच गए, शरीर में ताप पड़ रहा है और शिव याद आ रहा है। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र फरीदाबाद हरियाणा की पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर आपकी दुख की घड़ी में शंकर याद आ रहा है, आपकी तकलीफ की घड़ी में शंकर याद आ रहे हैं, आपके कष्ट के समय पर शंकर याद आ रहे हैं, आपको हर पल शंकर का स्मरण आ रहा है, जरा सा कोई दुख आया और तुम एक लोटा लेकर अगर शिव के मंदिर पहुंच रहे हो, जरा सा कष्ट आया और तुम एक लोटा जल लेकर शंकर की चौखट पर जा रहे हो, जरा सा दुख आया तुमने शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लेना ये जल तुम खुद नहीं चढ़ा रहे हो, ये जल तुम शंकर के मंदिर में खुद नहीं जा रहे हो, तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम खुद नहीं बोल रहे हो, शंकर भगवान स्वयं तुम्हें अपना समझकर तुम्हारे से ये कर्म करवा रहे हैं जिससे तू भव से पार हो जाए, तू उनके करीब आ जा। कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, शिव स्वयं शंकर स्वयं करवा। एक पत्र है का है शंकर के प्रति, हमारा एक लोटा जल जो हम शंकर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं, हम एक लोटा जल जो शिवजी को चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, उस शंकर को चढ़ाने वाला एक लोटा जल हमारे कितने विश्वास को प्रबल करता है। हमारा भरोसा कितना प्रबल हो सकता है। फिर निवेदन है, मेरे भोले बाबा को तुम्हारा धन वैभव सत्ता धन दौलत लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो एक लाइन बोलते हो ना कि भगत के वश में बस भाव बिना ये कुछ भी नहीं है। आपके भीतर का जो भाव हो, आपके भीतर की जो श्रद्धा हो, आपके भीतर का जो विश्वास